हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बड़े ही होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताने वाला हूँ कैसे माइनक्राफ्ट के अंदर बिल्कुल इजीली एक वीट फार्म बना सकते हो। भी ऑटो बस ये आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे से लगाना और ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वीट फार्म आपको इस वीडियो के अंदर बनाना सिखाने वाला हूँ मैं। और ये वीडियो मैं थोड़ी पार्ट्स में आपको अभी बता दूँ कि वीडियो जो हो मतलब ये ऐसे नहीं कि आपको आपको 2 से 3 मिनट में समझा दूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको समझने में। इसे मैं वीडियो के पार्ट्स लगाऊँ और पार्ट्स में रेगुलरली रोज डालता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, अभी तो मैं तो अभी इसकी फ्लैट लैंड में हूँ, तो मैं अभी पहले चला जाता हूँ क्रिएटिव में। तो हम लिखते हैं गेम मोड। ठीक है, मैं क्रिएटिव में आ चुका हूँ। देखो अब मैं आपको बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, आप ना बिल्कुल मेरे ध्यान से बातें सुनते रहें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक ग्लास ब्लॉक, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वही लेते जाना। ठीक है, आपको एक चाहिए ग्लास ब्लॉक, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, चलो। ठीक है, देन आपको चाहिए आयरन ब्लॉक। देखते हैं आयरन ब्लॉक, अगर हम जैसे कि ये है, आपको आयरन ब्लॉक के 3 स्टैक लेने हैं। मतलब जैसे कि 3 स्टैक देखा जाए तो वैसे कि 64 प्लस 64 प्लस 64, ऐसे मैं फटाफट जल्दी कर लेता हूँ इसको, चलो। जैसे कि ठीक है, जैसे कि आपने ले लिया 64। ठीक है, ये आपका 3 ब्लॉक आयरन के हो गए। मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं इनको भी रख देता हूँ। देखो, 1 ब्लॉक हो गया आपका ग्लास का, 3 ब्लॉक हो गए आपके आयरन के। ठीक है, अब आपको चाहिए स्लैब्स। देखो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, चलो मैं जैसे कि चलो मैं ये ले लेता हूँ। आपको ये स्लैब्स चाहिए, आपको 64 स्लैब्स चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ 64 स्लैब्स चाहिए, मतलब ऐसे आपको मतलब पूरी एक स्टैक आपको स्लैब्स के चाहिए। ठीक है, और स्लैब्स है कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं आपको कौन से लेने, स्लैब आपके ऊपर कोई भी ले लो, चलो एक स्टैक आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको चाहिए डर्ट ब्लॉक्स, डर्ट इसी में देखता हूँ ब्लॉक, चलो हम ये वाले लेते हैं, ग्रास ब्लॉक लेते हैं, चलो ये भी आपको। इसके देखो आपको बता रहा हूँ, इसके आपको 2 स्टैक चाहिए सबसे पहले तो आपको। ठीक है, जैसे देखो 36, हाँ जी, अब 2 स्टैक है आपको 32, और मतलब आपको टू पॉइंट फाइव आपको स्टैक चाहिए इसके। आपको अब सिर्फ 32 चाहिए, 60 होगा, हाँ 32 होगा, 32 आप ले लो, चलो एक रख देते हैं 32। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको चाहिए हॉपर्स, ये आ गए हॉपर, ये आपको चाहिए 7। जो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको वही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको आ गए 7 हॉपर आ गए। ठीक है, आपको चाहिए 2 चेस्ट, ये आपको आ गई भाई 2 चेस्ट। ठीक है, 2 चेस्ट चाहिए, मैं चलो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ रख देता हूँ, चलो अच्छा यहाँ। ठीक है, आपके पास आ गई, आपने 7 हॉपर ले लिया, 2 चेस्ट लिया, आपको चाहिए डिस्पेंसर। डिस्पेंसर आपको चाहिए 3। ठीक है, 3 डिस्पेंसर आपको चाहिए। देन आपको चाहिए रेड स्टोन, वो 33 रेड स्टोन डस्ट, ये है ना, हाँ ये देखो, ये आपको चीज जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको वही कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको जो बताया 33, आपको 33 ही लेने हैं, 33 ले लिए। ठीक है, रेड स्टोन डस्ट हो गया हमारे, हमें चाहिए हो, आप हो कोई भी ले सकते हो, आपको हो का ऐसा कुछ चीज़, चलो डायमंड वाले थे तो जल्दी हमारी हो कट जाए। ठीक है, देन आपको कोई भी बटन चलेगा, इसी बटन हम कोई भी चल सकते, चलो मैं एक बटन लेता हूँ, एक ही बटन चाहिए हमें जिससे हम क्लिक करेंगे। ठीक, कोई बटन चलेगा। देन आपको चाहिए 2, देखो आपको चाहिए रेड स्टोन रिपीटर, देखो आपको चाहिए रेड स्टोन रिपीटर, देखो ये रेड स्टोन रिपीटर, ये आपको चाहिए 2। ठीक है, देखो ये रेड स्टोन रिपीटर है, आपको चाहिए 2 रेड स्टोन रिपीटर। आपको चाहिए वाटर बकेट, मिनिमम आपके पास वाटर बकेट जो है 3 तो होनी ही चाहिए। चलो वैसे कि मैं 1, 2, 3, 4, ठीक है 4 मैंने ले लिया, मैं इन चारों को वापस रख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप इन चारों को यहाँ रख देता हूँ, मैं इन सबको भी रख देते हैं यहाँ पे ताकि ताकि यहाँ पर जगह बनी रहे। ठीक है, अब हो गया। अब हमें इसके बाद चाहिए 2 रेड स्टोन टॉर्च, रेड स्टोन टॉर्च, ये हमारी थी लास्ट चीज़, हमें इसकी 2 ले लेते हैं बस, हमें यही थी हमारी लास्ट चीज़। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, तो गेम मोड सर्वाइवल। ठीक है, अब देखो मैं आ चुका हूँ मेरे पास सारी चीज़ें, तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ग्रास ब्लॉक, हमें सबसे पहले ग्रास ब्लॉक जैसे आपको क्या करना है, ग्रास ब्लॉक से आपको 7 7 7 7 आपको स्क्वायर एंड 7 ब्लॉक्स का, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये बन गया 1 2 3 4 5
सात, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। और आपको इसमें बीच कर देना है पूरा कवर, ठीक है? मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ वैसे ही कवर करते रहो, बीच वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। हो जा देखो, ये आपकी बन गई। इससे आपको ऊपर सरफेस बनानी है, ठीक है? अब आप बिल्कुल इसके यहीं पे आप इसे खोदना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? अब बिल्कुल यहीं पे, जैसे कि जो बिल्कुल कोने में, आपको यहाँ पे दो और खोद लेने हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है? अब यहाँ पे आपको करनी है, यहाँ पे आपको लगानी है जो हमने चेस्ट लिया है, आपको दो चेस्ट लगानी है इस तरफ से। देखो यहाँ आए, यहाँ एंड यहाँ, बन गया आपकी चेस्ट, ठीक है? अब आपको ले लेना है हॉपर, और आपको अब देखना है कि आपको ना हॉपर लगाने की इसकी पोजीशन होती है। जैसे मैं इसकी दिखाऊं, रुको, जैसे गलत लगाई आपकी, जो ये हॉपर का मुंह इस साइड होना चाहिए, ठीक है? मैं इसको फटाफट से कुछ फटाफट जल्दी से तोड़ लेता हूँ इसको, भाई टूटने वाला है, टूटने वाला है। आपको ना ऐसे देखना है कि हॉपर का जो मुंह है ना वो उस साइड होना चाहिए, मतलब राइट साइड में होना चाहिए जो हॉपर का मुंह, ठीक है? तो गाइस मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे कि देखो टूटने टाइम हो गया, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कामयाब हो। ओ ये तो गिर गया, सॉरी। देखो मैं इसकी अगर मैं मूव यहाँ करूँ, देखिए अभी भी गलत करूँ। गाइस मैंने ऐसे करता हूँ, मैं ना क्रिएटिव में कर लेता हूँ, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसी आप आराम से कर लेना, आपके साइड में मैंने क्रिएटिव पे ना मोड करता हूँ, लिखते हैं तो मैं लिख देता हूँ गेम मोड क्रिएटिव, ठीक है? अब मैं फटाफट जल्दी टूट जाएगा, एक और ब्लॉक टूट गया, कोई नहीं। जो मैंने आपको ब्लॉक्स की आपको मैंने पूरी बताई ना कैलकुलेशन, आपको उन्हीं कैलकुलेशन से करना है, ठीक है? अब आपको ऐसे करना है कि बस, तभी गलत है ये। हाँ देखो अब ठीक है, ये मुंह जो होना चाहिए उस तरफ होना चाहिए, ठीक है? अब मैं ना, अब आपको क्या करना है, आपको सारे ब्लॉक्स तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये आपको वैसे वापस करना है, आप ना भी तोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो गाइस ये जो सारे है ना, ये देखो ये सारे इसी वे में लगे, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। ये देखो ये जो सारे लगे हैं ये बिल्कुल उस साइड में फेस लगे, आपको ऐसे ही उस साइड में फेस रखने, ठीक है? मैं इन सबको कवर कर देता हूँ, हमें जरूरत नहीं है। आपको सारे ऐसे रखने हैं जो सारे फेस है उस साइड तक होना चाहिए, ठीक है? इसको भी मैं कवर कर देता हूँ, मैंने खोद दिया था, ठीक है? ये हो गया। अब देखो हमें इसको भी कवर करना है, ये भी हमने खोद दिया था। ये आपको भाई मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करते हो, आपको इसकी सात हॉपर को नीचे की जो उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो उस तरफ होनी चाहिए, ठीक है? इनका मुंह उस तरफ और ये यहाँ, ठीक है? अब आपको ले लेने हैं हमारे ब्लॉक ऑफ आयरन, जैसे हम आप कोई भी ले सकते हो, उससे कोई बात नहीं, ठीक है? आप आओ यहाँ, 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 यहाँ और एक जगह आप यहाँ छोड़ दो, और ठीक है? आप अपना लो ग्लास ब्लॉक, ठीक है? ग्लास ब्लॉक ले लिया, आप उसको लगा दो यहाँ। तो गाइज मैं इन वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी जा रही थी, मैंने आपको ऐसे ही बोलते थे तो वीडियो लंबी जा रही थी, मैं इस पार्ट को यहीं रोक रहा हूँ। आप अगले पार्ट करने का वेट करना, जितना मैंने अब तक आपको बताया आप उतना बना ले, कोशिश करो ताकि आपको मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे प्लेस करना, बिल्कुल वैसे बना लो, जो मैंने आपको सारा सामान बताया है आप उन सारे सामान को इकट्ठा कर लो, ठीक है? आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है? मैं जल्दी खत्म कर दूंगा इन पार्ट्स में, इतना लंबा नहीं खींचूंगा, आपको जल्दी जल्दी बताता रहूँगा कैसे करना है, ठीक है? थैंक यू फॉर दिस वीडियो, ठीक है? फॉलो करना ये वाली वीडियो दोस्तों, शेयर करना, उन्हें भी बताना ही कैसे वो बिल्कुल इजीली माइनक्राफ्ट के अंदर मतलब एक स्टार्ट, मतलब आपको पूरा बना पूरा नहीं बताया पर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो फार्म बनाना, ठीक है? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी सेफ एंड बी हैप्पी, बाय।